नमस्कार दोस्तों, मैं महेश राठौर जूनागढ़ गिरनार से आपका स्वागत कर रहा हूँ। तो आज हम आए हैं गिरनार और आज हम करने वाले हैं गिरनार की चढ़ाई। आप देख सकते हैं मेरे पीछे गिरनार और बहुत सुंदर बादलों में गिरनार पर्वत दिखाई दे रहा है, बहुत सुंदर दृश्य है। तो आज हम गिरनार की यात्रा करने वाले हैं और सीढ़ियों से चढ़ने वाले हैं। 10,000 सीढ़ी चढ़ने के बाद हम ऊपर पहुँचेंगे। बीच में इतने सुंदर सुंदर नज़ारे देखने को मिलेंगे और ऐतिहासिक मंदिर और बहुत सारे झरने और बहुत कुछ देखने को मिलेगा। तो इस जर्नी को एंजॉय करते हैं, चलो अब बहुत मज़ा आने वाला आगे। दोस्तों तो सामने भवनाथ मंदिर और इसके पीछे गिरनार पर्वत। तो आज हम पर्वत की सफ़र करने वाले, यात्रा करने वाले हैं, तो इस यात्रा में बहुत मज़ा आने वाला है। जय ओम नमो नारायण। तो दोस्तों पीछे रोपे का स्टेशन है जो यहाँ से रोपे ऊपर जाती है, लेकिन बारिश के मौसम में और वेदर जब ख़राब होता है, वातावरण ख़राब हो जाता है, तभी वो बंद होती है। और उसका ऊपर आने जाने का प्राइस 700 रुपया, हमने वहाँ पूछा था तो वो बताया कि जाने का, सिर्फ जाने का 400 और आने जाने का 700 रुपया प्राइज है। तो उसका भी मज़ा ले सकते हैं हम कभी, लेकिन अभी तो हमें चल के जाना है, तो अभी हम पूरा सफ़र का मज़ा चल के लेंगे। थोड़ा हार्ड है लेकिन उसमें मज़ा है चलने में। यहाँ से दो रास्ते हैं, ये रोपे की तरफ जाता है, ये यहाँ से सीढ़ियों की तरफ जाता है। तो हम जाने वाले सीढ़ियों से, तो वही रास्ता जाएंगे। तो गिरनार दरवाज़ा इस तरफ है। तो यहाँ से गिरनार पर्वत की सीढ़ियाँ शुरू होती है। तो यहाँ से हम यात्रा आरंभ करते हैं सीढ़ियाँ चढ़ने की। तो यहाँ से पहली सीढ़ी और यहाँ से हम चालू करते हैं। 50 सीढ़ी चढ़ने के बाद ये मंदिर आया है। Okay. Wait for a few minutes and then I would like to start the song. Okay? Zarur. With the confidence, and the confidence is the foundation for all business lessons. Right? A degree of confidence a man has in others and others have in him determines the standing in the business and commercial field. Right? So be confident. So let me take the rest. Because I am getting this breathing problem. Yeah. Are you getting my point or not? Getting? Yeah. Okay. After going the forward, they will start the song. ओके ओ भजन ना। हाँ। अरे भांग तमाकू पियो हला हला औरन बाजे संग, ओ गड़ बम बम बम, ओ गड़ बम बम बम। तो खोल ही दो। पेड़ के ऊपर बंदर बैठे हैं, देख सकते हैं तीन, और ऊपर दिखाई रहा है गिरनार पर्वत आपको दिखाई देता वो आधा ही है, उसके आगे एक और हिल है, तो हमें वहाँ तक जाना है। अभी तो शायद हमने 400-500 सीढ़ियाँ चढ़ी होगी। तो सामने लिफ्ट की पिलर दिखाई दे रही है और बाजू में है गिरनार पर्वत, पूरा बादल छा गए पर्वत के ऊपर और पीछे का नज़ारा ऐसा है। एक छोटा सा मंदिर है खोड़ियार माता जी का और यहाँ से आगे सीढ़ियाँ। क्या हाल है बंची भाई? कब पहुंचेंगे पता नहीं, अभी तो 1,000 सीढ़ियां हुई है। पसीने से लथपथ है। अजी 9,000 बाकी है, बाद में क्या हाल होगा वो तो बाद में पता चलेगा। सामने इतना विशाल पहाड़, उस पे जाना है, कैसे जाए? बहुत ऊपर जाना है। क्या हाल होगा वो तो आगे ही पता चलेगा। रोपे में चढ़ी जाए ऊपर टावर ऊपर।
टावर कितना ऊंचा है आप देख सकते हैं, और सामने भी बड़े पहाड़ और जंगल, एकदम घना जंगल। इसमें शेर बहुत रहते हैं। देखो कितनी शान से बैठे हैं महाराज की तरह। अभी तो 1100 सीढ़ी हुई है, अभी तो 9000 बाकी है। इतने में ऐसा हाल हो गया तो आगे तो क्या होगा। लेकिन पहाड़ इतना सुंदर है कि वहाँ जाने को मन करता है। प्रैक्टिस करो। प्रैक्टिस से मैं आया था। प्रैक्टिस तालुका में पिलुद्रा गांव है मेरा, छोटा सा। वहाँ से मैं पैदल चल के आया हूँ और गिरनार का दर्शन कर दिया। और आप गिरनार भी चढ़े और अभी उत्तर भी गए। आप देख सकते कितना दूर पड़ता है हमारा यहाँ से। 550 किलोमीटर दूर। 550 किलोमीटर आप चल के आए? चल के आए। 550 किलोमीटर चल के और इसके बाद गिरनार चढ़ना 10000 सीढ़ी। बहुत धन्यवाद इस भाई को। कल मैं जेतपुर था, जेतपुर से वहाँ आया और आके 3:30 बजे चलना शुरू किया तो गिरनार पर से पुनः 9 बजे तो हम वापस आ गए थे अंबाजी के मंदिर के लिए। आरती बारती ली, इसका दर्शन भी किया और वापस 550। बहुत बहुत इतना तो बहुत ही कोई लोग चल पाते। 550 किलोमीटर चलना और पूरा पहाड़ चढ़ना बहुत ही मुश्किल। मेल ये चौमासा है ना, इसलिए तो तकलीफ तो होती रहती है। लेकिन दादा की मर्जी होती है, मालिक की। वो बात तो सही है। उसके आगे तो कोई कुछ करता नहीं है। वो बात सही है। धन्यवाद धन्यवाद बहुत आपको और आपकी एनर्जी को बहुत धन्यवाद। बाहर का वेदर एकदम धुम्मच आ गया है, धुंधला धुंधला हो गया, कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है। अब देख सकते हैं पर्वत के ऊपर भी बादल आ चुके हैं, फिर हवाएं चल रही है, हवाएं की आवाज़ चनन चनन आ रही है। आपने देखा वो अंकल को दो भाई और डोली में बिठा के ऊपर ले जाते हैं। जो बुजुर्ग है जो चल नहीं सकते वो डोली में ऊपर लेकर जाते हैं और नीचे वापस लेके आते हैं। तो कितना स्फूर्ति वाला काम है, इतना भारी वजन उठा के ऊपर जाना और वापस लाना। हम तो खाली खाली जा रहे हैं फिर भी ऐसा लग रहा है कि नहीं थक जाएंगे, कैसे पहुँचेंगे। आप देख सकते हैं बड़ी बड़ी चट्टाने आ चुके हैं रास्ते में। यहाँ शायद गुफा है छोटी सी और मंदिर है। अंदर गुफा है तो अंदर जाते और यहाँ से आगे जाते। हाय बाय। जय गिरनारी। जय गिरनारी। हेलो हेलो। बहुत ही शानदार मज़ेदार वेदर हो गया। अब देख सकते पूरा धूम मचा गया है पहाड़ ऊपर और नीचे, और बारिश की आवाज़ आ रही है। बारिश चालू हुई है तो जल्दी ऊपर जा रही जाना है, अभी भीगना नहीं है। सात हजार 799 सीढ़ी अभी बाकी है। यहाँ छोटा सा राम जी मंदिर है। गिरनार का नजारा आप देख सकते हैं, बहुत ही सुंदर। इतना ऊपर पूरे बादल जा रहे हैं गिरनार को सूखे, चनन चनन हवा चल रही है।
हम धीरे धीरे जा रहे हैं इस गिरनार की सुंदर नज़ारे का आनंद ले रहे। तो ये है भवनाथ तलेटी और दो पहाड़ के बीच में जो दिख रहा है वो जूनागढ़ शहर है और ये पूरा गिरनार का जंगल और इस तरफ गिरनार हिल इतने इतने बड़ी चट्टाने और यहाँ से बीच में से ये सीढ़ियाँ ऊपर की तरफ जा रही है। इतने फिलहाल कितना खूबसूरत नज़ारा है मैं आपको वो नज़ारा दिखाता हूँ। देखिए देखिए आप नीचे की तरफ ये भवनाथ तलेटी और थोड़ा दूर दिखाई रहा है वो जूनागढ़ और ये पूरा जंगल और गिरनार पहाड़ की ये चट्टाने और ये सीढ़ी पहाड़ के ऊपर की तरफ जा रहे हैं। तो धीरे धीरे हम ऊपर की तरफ जा रहे हैं। तो वो भवनाथ तलेटी है वहाँ से हम चल के आए इतना ऊपर सड़के और यहाँ की सीढ़ी आप देख सकते हैं इतने ऊपर यहाँ से होके यहाँ से ये सीढ़ी से हम आए और अभी ऊपर जाना है इतने बड़े बड़े इसके ऊपर से यहाँ से रास्ता है। तो यहाँ पे नेमिनाथ भगवान का मंदिर है अंदर की तरफ और यहाँ से आगे सब जैन टेंपल है इतने पुराने और सुंदर मंदिर दोनों तरफ। ये सब जैन मंदिर पौराणिक और सुंदर मंदिर है और यहाँ से आगे इतने इतने स्थान है आप देख सकते हैं गौमुखी गंगा अंबाजी टूंक गोरखनाथ टूंक कमंडल कुंड गुरु दत्तात्रेय शिखर हमें गुरु दत्तात्रेय शिखर तक जाना है तो यहाँ से आगे। सीढ़ियों की दोनों तरफ आगे भी इतने सारे मंदिर है। तो अंबाजी मंदिर गेट शायद हाँ अंबाजी मंदिर आ चुका है आप देख सकते हैं पूरा धुंधला धुंधला दिखाई दे रहा है। तो दोस्तों तो अंबाजी मंदिर पहुंच चुके हैं आप देख सकते हैं मेरे पीछे जो अंबाजी मंदिर है बहुत धुंधला धुंधला दिखाई दे रहा है क्योंकि चारों तरफ धुम्मस आया हुआ है आपको दिखा देता हूँ।
ये मंदिर अंबाजी मंदिर है, बहुत धुंधला दिखाई दे रहा है, चारों तरफ एकदम धूम मचाया है, पीछे की तरफ कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है। चनन चनन हवा तेजी से जा रही है इस गिरनार पर्वत को छूते हुए, और तो और अब यहाँ से हम आगे जाएंगे, अभी आधा हुआ है, 5000 सीढ़ी खत्म हुई हुई है, अभी और 5000 सीढ़ी चल के आगे जाना है। यहाँ तक को पहुँच गए, आगे का सफ़र कैसा रहता है वो आगे पता चलेगा। तो हमारी एक खूबसूरत यात्रा अभी चालू है। क्यों थक गए? तो पूरा पर्वत नहीं जाने का है, बता दे तक यहाँ से वापस जाने का है, कोई बात नहीं। तो अंबाजी से यहाँ से सीढ़ियाँ नीचे की ओर जाती है, पूरा धुम्मस बादल छाए हुए, तो यहाँ तक आधा सफ़र हुआ है। ए भाई, हमें नीचे से चालू किया था सफ़र, तब से हमारे चाहते वो भी धीरे धीरे आ रहे हैं ऊपर, और ले लेते हैं। साउथ वाले हैं, कहाँ चाहिए? आंध्रा एपी, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश से, बराबर, ओके। बहुत दूर चाहे, स्पेशल घूमने के लिए आए? बराबर, यानी वणक्कम, यानी नमस्कार। नमस्कार, बराबर, कोई बात नहीं, अच्छे दोस्त मिल गए। यहाँ से थोड़ा आराम वाला रास्ता है, क्योंकि सीढ़ियाँ नीचे की ओर जा रही है, लेकिन जब हम वापस आएंगे तो ये सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ेगी। फिलहाल थोड़ा आराम वाली सीढ़ियाँ आ गए, आराम से नीचे की ओर जा रहे हैं। नीचे का नज़ारा, इतने बादल और धूम मचा गए, एकदम ठंडा ठंडा गुलगुल, मतलब बहुत मज़ा आ रहा है, बहुत ही सुंदर वेदर। ऊपर जा रहे हैं, बड़ी तेज से हवा चल रही है, आप देख सकते हैं इतना बादल घूम के जा रहे हैं। यमराज लिखा हुआ है, यमराज जी की मूर्ति है, और यहाँ लिखा है पाप और पुण्य की बारी, यानी पाप पुण्य की खिड़की। तो मैं जा रहा हूँ इसके अंदर,
थोड़ी बहुत चिड़िया चढ़ने के बाद फिर से चिड़िया नीचे की ओर जा रही है, तो चलने में और आसान रहता है। बहुत चिड़िया नीचे की ओर जा रही है, लेकिन जब वापस आएंगे तभी मुश्किल रहेगा ये सब चढ़ने में। अभी तो उतरने का रास्ता है तो बड़ा आसान रहे। एक बात बोलूँ तो ये वेदर बहुत ही सुंदर है, एकदम सुंदर वातावरण, ठंडा एकदम, हल्की हल्की बारिश, तो चलने में बहुत मज़ा आता है, एकदम ठंडा लगता है, तो थकान थोड़ी कम लगती है। पहले तो हमने चालू किया नीचे से सीढ़ियाँ चलना चालू किया, 200-300 सीढ़ियाँ चली थी, इतनी गर्मी हो रही थी, लगता था कब कैसे ऊपर पहुंच पाएंगे, लेकिन जितने थोड़े ऊपर आए तो एकदम धुम्मस और बारिश वाला ठंडा वातावरण हो गया, तो थोड़ी थकान बहुत कम लगती है। तेज़ी से हवा चल रही है, एकदम छनन छनन आवाज़ जा रही है। इस पहाड़ को देखो कितना सुंदर है, आगे भी पूरा कुछ दिखाई नहीं दे रहा। तो यहाँ से दो रास्ते, ये वाला रास्ता गुरु दत्तात्रेय चरण पादुका की तरफ जाता है, और ये यहाँ दत्तात्रेय धुना कमल मंडल वन क्षेत्र की तरफ जाता है ये रास्ता। लेकिन फिलहाल हमें जाना है गुरु दत्तात्रेय की ओर, तो यही रास्ते पे जाएंगे आगे, और वहाँ कमल कुंडल है धुना है, तो ये नीचे की तरफ सीढ़ियाँ जाती है, थोड़ा धुम्मस की वजह से नीचे की दिखाई नहीं दे रहा, और ये जा रही है सीढ़ियाँ ऊपर गुरु दत्तात्रेय की ओर। यहाँ से सीढ़ियाँ थोड़ी बहुत ज़्यादा चढ़ाने वाली है, ऊपर सटाने जैसे लगता है गिर जाएगी, इतना बड़ा ऊपर पत्थर है। तो हम बहुत करीब है गुरु दत्तात्रेय से, बस पहुंचने ही वाले हैं, बिल्कुल नज़दीक आने वाली है। आपको पहाड़ दिख रहा है शायद धुम्मस में थोड़ा थोड़ा, उसके ऊपर तक जाना है। देखो ये भाई, वो भाई की मदद कर रहे हैं ऊपर चढ़ने में, वो बोल रहे हैं कि शायद ये भाई नहीं होते तो मैं नहीं चढ़ पाता। मैं चढ़ाने वाला कौन हूँ, चढ़ाने वाला भी हो है, उतारने वाला भी हो है, खाली एक साथ दिया है तुमको, एक सहारा दिया है, और बाकी कोई नहीं, मेरी भक्ति नहीं तुम्हारी भक्ति, तुम्हारी भक्ति और तुम्हारी शक्ति है, मेरी कौन सी शक्ति है, मेरा शरीर देखो और तुम्हारा देखो, मेरा इतना भी पतला रखा 50 किलो वजन है तो भी चला रहा हूँ सबको, मैं कहाँ चला रहा हूँ, मालिक दत्तात्रेय भले भोलेनाथ चला रहा है, चलो आदेश आदेश आदेश, जय गिरनारी जय गिरनारी जय गिरनारी। हम एकदम नजदीक गुरु दत्तात्रेय की मंदिर के पास, एकदम 15-20 सीढ़ी होगी शायद, आप पीछे का रास्ता भी देख सकते हैं, धुम्मस की वजह से नहीं दिख रहा है, लेकिन उधर तक ही जाना है। तो ये गुरु दत्तात्रेय का मंदिर, तो यहाँ से मोबाइल कैमरा बिल्कुल अलाउड नहीं है, तो सिर्फ हम दर्शन करके वापस आते हैं, क्योंकि चखत मना है यहाँ कैमरा फोटो खींचना वीडियो उतारना, तो यहाँ से सिर्फ हम दर्शन करके वापस आ जाते हैं। तो दोस्तों मैं दर्शन करके वापस आ चुका हूँ, अंदर गुरु दत्तात्रेय का शरण पादुका है और उसकी मूर्ति है, तो वहाँ उसका दर्शन करके वापस आ चुके हैं, तो अब नीचे उतरने की तैयारी करते हैं और चलते हैं धीरे धीरे नीचे गिरनार पर्वत के नीचे की ओर।
के मु छापरा ऊपर आलसो फटाफट रेडी एक लाई द तो दोस्तों आखिरकार हमारा सफर पूरा हो गया है। तो हम गिरनार चढ़ के वापस नीचे आ चुके हैं। 10,000 सीढ़ी चढ़े थे और 10,000 सीढ़ी वापस नीचे उतर के आ गए। बहुत थक गए लेकिन बहुत ही मज़ा आया रास्ते में, बहुत ही इन्जॉय किया। सुबह 9:30 बजे निकले थे तो अभी 5:30 बजे है। तो अभी आज का सफ़र यहाँ ख़त्म करते और वापस से फिर से मिलेंगे। तो चलो बाय बाय दोस्तों। एक सब हमारे दोस्तों, हमने साथ मिलकर पूरा गिरनार की यात्रा की है। तो सब अब थक गए हैं। देखो आपका नाम है भगत है, वो भी हमें यहाँ से मिल गए तो प्यारे दोस्त बन गया है। बंचे भाई उसको तो आप जानते ही है, और ये हमारे दोस्त जो कच्छ से है मुकेश भाई क्या आपका नाम, और ये राहुल भाई। तो इस यात्रा में बहुत ही मज़ा आया, बहुत ही इन्जॉय किया। थक गए लेकिन बहुत इन्जॉय किया, बहुत मज़ा आया। तो फिलहाल आज का सफ़र इधर ख़त्म करते हैं। चलो फिर से मिलते हैं। बाय बाय।